फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको बताऊँ किस तरीके से आप एक 4440 की जो DJ मशीन होती है, अगर वो पूरी तरीके से ख़राब हो जाए तो उसकी जगह पे आप एक 6280 की जो PCB होती है उसे इसमें किस तरीके से फिट करके इसे दोबारा से यूज में ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको बताऊँ किस तरीके से आप एक 6280 IC में आप वॉल्यूम कनेक्शन कर सकते हैं और उसमें साथ ही साथ आप एक ब्लूटूथ कनेक्शन भी कर सकते हैं जिसे आप ब्लूटूथ के ज़रिए भी इसे बजा सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको 6280 की जो PCB बोर्ड है उसके A to Z कनेक्शन के बारे में बताऊँ किस तरीके से आपको वॉल्यूम और ब्लूटूथ कनेक्शन कैसे करना है। तो वीडियो को कंप्लीट देखना, थोड़ा सा भी स्किप मत करना। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर दें जिससे मेरे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए इस मशीन को किस तरीके से दोबारा से बनाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। और फ्रेंड्स, इस PCB बोर्ड में IC और कैपेसिटर दोनों ख़राब थे तो उसे भी मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया। सेम नंबर की जो IC और सेम नंबर का कैपेसिटर इसमें दोबारा से चेंज कर दिया है। ठीक है, तो चलिए अब इसके बाद हमें कौन कौन से कंपोनेंट लेने पड़ेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, इस मशीन को दोबारा से बनाने के लिए यहाँ पे हम एक ब्लूटूथ किट का यूज करेंगे जो कि आपको मार्केट में करीब 80 रुपये की आसानी से मिल जाएगी। और उसके बाद हम यहाँ पे एक 6280 की न्यू किट का यूज करेंगे जो कि मार्केट में आपको करीब 60 रुपये की मिल जाएगी। और उसके बाद में हम यहाँ पे एक 7805 जो ट्रांजिस्टर होती है जो कि 5 वोल्ट रेगुलेटर होती है जो हमारे इस USB बोर्ड को चलाने के लिए यूज में आएगी, तो यहाँ पे इस ट्रांजिस्टर का यूज करेंगे। और हम कुछ वॉल्यूम का यूज करेंगे, तो वॉल्यूम यहाँ पे इस मशीन में पहले से हैं तो इनमें से हम 2 वॉल्यूम यूज में लेंगे। आप वॉल्यूम 47K का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से आपको वॉल्यूम कनेक्शन करना है और किस तरीके से आपको लीड के और यहाँ पे स्पीकर के कनेक्शन कैसे निकालने हैं वो सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। तो वीडियो को स्किप मत करना वरना आपसे कोई भी जानकारी मिस हो सकती है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको इन वॉल्यूम के कनेक्शन के बारे में बता देता हूँ कि आपको इस बोर्ड में वॉल्यूम के कनेक्शन कैसे करने हैं। तो पहले आपको यहाँ पर इस तरीके के 47K के वॉल्यूम ले लेने हैं और उन दोनों का पिन नंबर 1 इस तरीके से एक नेगेटिव वायर के साथ शॉर्ट कर देना है। उसे आपको डायरेक्ट इस PCB बोर्ड में यहाँ पे बीच वाले पॉइंट के साथ यहाँ पे शॉर्ट कर देना है। अब इसके बाद फ्रेंड्स, आपको 2 रेड कलर के वायर और ले लेने हैं और यहाँ पे इस PCB बोर्ड में से लेफ्ट और राइट इस तरीके से 2 कनेक्शन ले लेने और उन्हें आपको यहाँ पर इन दोनों वॉल्यूम के बीच वाले पॉइंट के साथ शॉर्ट कर देना है। फ्रेंड्स, ये हम डबल स्पीकर के लिए यूज कर रहे हैं, अगर आप सिंगल स्पीकर के लिए यूज करना चाहते हैं तो आप इसमें से कोई भी एक वॉल्यूम यूज कर सकते हैं और इसमें से एक वायर आपको कट कर देना है। ठीक है, और फ्रेंड्स आप इस किट के साथ 8-8 इंच के 2 स्पीकर बजा सकते हैं। तो चलिए अब आगे का कनेक्शन किस तरीके से करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आपको पहले इस किट के बारे में बता देता हूँ किट का कनेक्शन आपको कैसे करना है। तो यहाँ पर ये 2 वायर हैं, ये हम डायरेक्ट 7805 ट्रांजिस्टर में लगाएंगे ताकि जो हमारी USB किट है उसमें जो वोल्टेज है वो आ सके यहाँ से। और फ्रेंड्स, मैं आपको इसके जो 3 वायर हैं यहाँ पे इनके कनेक्शन भी आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो बीच वाला वायर है वो इसका ग्राउंड है, वो आपको डायरेक्ट नेगेटिव लाइन के साथ यहाँ पे शॉर्ट करना है जो ब्लैक कलर की लाइन है। और इनके जो लेफ्ट और राइट के वायर हैं वो आप इन दोनों ट्रांजिस्टर के 3रे पॉइंट के साथ एक एक वायर आपको शॉर्ट कर देना है। तो किस तरीके से करना है वो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से फ्रेंड्स, आपको जो हमारी USB है उसका कनेक्शन कर लेना है। यहाँ पे जो बीच का वायर था वो मैंने डायरेक्ट नेगेटिव लाइन के साथ यहाँ पे शॉर्ट कर दिया है और इसके जो लेफ्ट राइट के वायर हैं वो मैंने इन दोनों बोलियों के 3रे पॉइंट के साथ यहाँ पे शॉर्ट कर दिए हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो चलिए अब इस ट्रांजिस्टर का कनेक्शन किस तरीके से करना है वो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे जो हमारी ट्रांजिस्टर थी उसका भी कनेक्शन कर लिया। तो चलिए किस तरीके से किया मैं आपको बता देता हूँ। तो इस कैपेसिटर से यहाँ से 12 वोल्ट की इनपुट सप्लाई आएगी तो इस ट्रांजिस्टर में से यहाँ पे 5 वोल्ट निकलेगी जो कि हमारे USB ब्लेड को चलाने के लिए यूज में आएगी। तो चलिए अब इसमें से स्पीकर का कनेक्शन कहाँ से करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो हमें इसमें से डबल स्पीकर का कनेक्शन करना है, तो उसे किस तरीके से करना है उसे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। स्पीकर का कनेक्शन करने से पहले फ्रेंड्स, मैं आपको इस किट के बारे में बताना चाहूँगा कि अगर आप इस किट को बैटरी से चलाना चाहते हैं तो आपको इस जो हमारा कैपेसिटर है उसके प्लस वाले पॉइंट पर आपको उसका प्लस देना पड़ेगा और माइनस के पॉइंट पर आपको माइनस देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसे ट्रांसफार्मर से चलाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर जो ब्रिज रेक्टिफाइड डायोड नज़र आ रहे होंगे यहाँ पर आपको जो 12 वोल्ट की सप्लाई ट्रांसफार्मर से आती है उसके आपको यहाँ पर 2 वायर शॉर्ट कर देने हैं इन दोनों पॉइंटों पर।
तो चलिए इसके स्पीकर का कनेक्शन किस तरीके से करने हैं वो मैं आपको करके दिखाएगा, फिर उसके बाद हमसे चेक करके देखेंगे कि हमारा ये एम्पलीफायर किस तरीके से काम करता है। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर स्पीकर के लिए तीन वायर निकाल लिए हैं, यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ। जो हमारा ब्लू कलर का वायर है ये आपको ग्राउंड में लगाना है दोनों साइड में, और ये हमारे लेफ्ट राइट के स्पीकर हो गए दोनों स्पीकर के लिए, एक ये ग्राउंड रहेगा, ये आपको दोनों स्पीकर के दोनों साइड में लगा देने हैं। तो किस तरीके से इसका पूरा कनेक्शन है वो आपको करके दिखाया था। और फ्रेंड्स आपको आईसी और इस ट्रांजिस्टर के साथ एक एक हीट सिंक यूज करनी है ताकि हीट होने की वजह से ये हमारी आईसी ख़राब ना हो। तो चलिए इस पूरे सर्किट को मैं उस जो हमारा एम्पलीफायर है उसमें सेट करके आपको दिखाया था, फिर इसके बाद हम इसे चेक करके देखेंगे हमारा जो सर्किट है वो किस तरीके से काम करता है। तो चलिए मैं इसे उसमें सेट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको जो हमारी यूएसबी प्लेट है उसे आपको दो स्क्रू की मदद से इस मशीन में इस तरीके से सेट कर देना है। इसे मैंने फिलहाल यहाँ से इसके जो जैक हैं वो निकाल दिए। तो चलिए अब इसके बाद इसका पूरा कनेक्शन कैसे करना है वो आपको करके दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने इस पूरी पीसीबी को जो हमारी मशीन थी उसमें सेट कर लिया है, तो मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से मैंने किया है। यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर थी उसके नीचे मैंने कागज का टुकड़ा लगा के इसे बॉडी के साथ यहाँ पे एक स्क्रू की मदद से इसे सेट कर दिया है, और कागज का टुकड़ा मैंने इसलिए लगाया ताकि इसके जो पॉइंट हैं वो आपस में शॉर्ट ना हो। और आपको एक पीसीबी भी इसे थोड़ा ऊपर की साइड में रखनी है ताकि इसके जो नीचे आपस में प्रिंट हैं वो जिस बॉडी की वजह से आपस में टच ना हो, नहीं तो ये आईसी हमारी शॉर्ट हो जाएगी। और यहाँ पे देख सकते हैं जो मैंने स्पीकर के कनेक्शन थे वो मैंने ग्राउंड का जो वायर था वो मैंने नीचे की लाइन में दे दिया है जो कि हमारी पूरी ग्राउंड है, और जो येलो और ग्रीन कलर के वायर थे वो मैंने दोनों एक एक साइड में लगा दिए ताकि इसके साथ हम दो स्पीकर बजा सकें, ठीक है। और वो सारा कनेक्शन पहले से मैंने आपको समझा दिया किस तरीके से किया मैंने। और यहाँ पे मैंने 12 वोल्ट की बैटरी के लिए दो वायर निकाल लिए हैं, यहाँ से हम 12 वोल्ट की बैटरी या एडाप्टर से इसमें पावर सप्लाई दे सकते हैं। तो चलिए अब इसे चेक करके देखते हैं कि हमारी जो मशीन है वो किस तरीके से काम करती है। तो चलिए इसे मैं आपको स्पीकर के साथ कनेक्ट करके और आपको इसमें सॉन्ग प्ले करके आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से ये हमारी मशीन काम करती है। तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने इस पूरी पीसीबी को इस बोर्ड में सेट कर लिया है, तो मैंने यहाँ पे एक स्पीकर को इसके साथ यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है कुछ इस तरीके से। तो चलिए अब मैं आपको इस बैटरी के साथ इसे जोड़ के दिखा देता हूँ और देखते हैं कि हमारा जो एम्पलीफायर है वो ऑन होता है कि नहीं, और फिर हम इसमें सॉन्ग प्ले करके देखेंगे। तो चलिए आपको सिंपली यहाँ पे प्लस पे प्लस और माइनस पे माइनस लगा देना है। तो देख सकते हैं जो हमारी मशीन है वो, हमारा मशीन की जो डिस्प्ले है वो यहाँ पे ऑन हो गई है और स्पीकर में भी थोड़ा सा साउंड आ रहा है। तो चलिए इसमें सॉन्ग प्ले करके देखते हैं कि हमारी जो 6283 की पीसीबी बोर्ड है वो किस तरीके से साउंड निकालता है। तो चलिए मैं इसमें एक सॉन्ग प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको 6283 के बोर्ड में कनेक्शन करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और आप मेरे चैनल पर ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले समय में आपको ऐसी नई नई इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहे। तो पहले मैं यहाँ पर जो हमारा मोबाइल है उसे कनेक्ट कर देता हूँ। तो देख सकते हैं हमारा जो मोबाइल है वो कनेक्ट हो गया है। तो चलिए अब इसमें सॉन्ग प्ले करके देखते हैं। आप इसका साउंड वॉल्यूम से भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये वॉल्यूम एक स्पीकर के लिए, अगर आपको दूसरे स्पीकर का वॉल्यूम कंट्रोल करना है तो आपको ये वाला वॉल्यूम यूज करना पड़ेगा। फिलहाल ये वॉल्यूम काम नहीं करेगा क्योंकि मैंने स्पीकर को इस वाले कनेक्शन में लगाया है। तो देख सकते हैं मैं यहाँ पर इससे साउंड को कम ज़्यादा कर सकता हूँ। आप तो मोबाइल से भी कर सकते हैं इसे, तो फ्रेंड्स आप रिमोट का भी यूज कर सकते हैं इसमें।
देख सकते हैं मोबाइल ये रहा मेरे हाथ में, आपको दिखा देता हूँ। माइनस पे करके आप इसे कम भी कर सकते हैं। वॉल्यूम से भी से कम जाएगा, तो इसका मैं इस टाइम थोड़ा कंट्रोल में साउंड चला रहा हूँ। आप इसे फुल करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा साउंड आएगा, तो देख पा रहे होंगे। तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स अगर आपको इस वीडियो में कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।